बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ आपके साथ में। आपको भाई एक न्यूज़ से एक यहाँ पर पिक्चर भी आपको साथ में दिखा दूंगा, इससे अपडेट करना चाहता हूँ मैं। खासकर जहाज गुजर रहा है जद्दा, इसका शोर देख लें आप अभी भी। और ये मुसाफरों वाला है, कोई कार्गो वाला नहीं है। अच्छा, जो ड्राइवर भाई हैं यहाँ पर सऊदी अरबिया में, उनके लिए खास वीडियो, खासकर जो लोडर वगैरह का काम करते हैं और जो टैक्सी वगैरह चलाते हैं या किसी कंपनी वगैरह में काम करते हैं, उनके लिए भी है ये। भाई मैं ऐसी वीडियो शेयर करता रहता हूँ कि कोई भी किसी भी किसी किस्म का यहाँ पर काम ऐसा करने से बाज रहें, यही बेस्ट है। परदेश है, आप पकड़े जाएंगे, लंबे अरसे के लिए जेल में पड़े रहेंगे, पीछे आपकी फैमिलीज परेशान होती हैं, फिर किसी वज़ीर आज़म की अपील के ऊपर या इनकी रहम की अपील के ऊपर या रमज़ान शरीफ को देखते हुए ये लोग कहीं 5-10 साल बाद आपके ऊपर रहम खाएंगे, आपको छोड़ेंगे, ज़िंदगी तबाह हो जाएगी आपकी भी और आपके पीछे जो बैठी हुई फैमिलीज़ हैं उनकी भी। तो बात यह है कि ये जज़ान वाले एरिया की वीडियो है जी, यहाँ पर मैं पिक्चर आपको साथ में दिखा रखा हूँ। ये वेंच है जी, जिसको पता है ख़राब गाड़ी वगैरह इसके ऊपर आप लोड कर लें तो ये लेकर जाते हैं, वेंच इसे बोलते हैं यहाँ पर। पाकिस्तानी था ये फिर ड्राइवर इसका, ये लेकर जा रखा था एक सीट दूसरी जगह पर ये वेंच को, तो जो तफ्तीश होती है वहाँ पर रोक लिया गया। गाड़ी के टायरों से, गाड़ी की लुक से, गाड़ी के चलने के अंदाज से भाई ये अंदाज़ा लगा लेती है इस गाड़ी में क्या कुछ है। तो इसी चीज़ को देखते हुए इसे भाई मशकूक किया गया है, इसको रोक लिया गया है। फिर जब इसकी अच्छे से तलाशी ली गई है तो 141 किलो गात, वो जड़ी बूटी है जी, एक खास रखी जाती है, खाते हैं लोग नशा वगैरह के लिए शायद, तो वो 141 किलो ये वेंच के आगे ढेर लगा हुआ है, आप देख भी सकते हैं, इसके पास से बरामद हुई है, पकड़ ली गई है जी। अभी इसकी ये वेंच भी गई, अभी ये जेल में भी काटेगा, यहाँ पर जेल में भी सड़ेगा, फाइन भी भरेगा, फिर कई साल जेल में।